ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लकद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक वस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकरामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन खातमिन नबियीन सैयदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद थुम्मा सलातु व सलामु व तहियतु व इकराम अला अहल बैतिहिल अतयबीन अल अंजबीन अल्लदीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق فاما اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واما اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولئك المقربون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد عزيزان محترم سورہ واقعہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور اصحاب میمنہ ان کا کیا کہنا اس کے ساتھ ساتھ اصحاب مشعمہ وہ بھی ان کے سلسلے میں بھی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں وہ افراد ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں اور وہی پروردگار عالم کے مقربین ہیں اس آیہ شریفہ کے ضمن میں گناہوں کے اثرات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان روحوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو روحیں خداوند کریم نے انسانوں کو عطا کی ہیں وہ روحیں کہ جن کو خدا نے عطا کیا ہے وہ پانچ ہیں جن میں سے ایک ایسی ہے کہ جس کو صرف اور صرف انبیاء کرام اور رسولوں کو دیا ہے اولیاء کو دیا ہے ائمہ اطہار کو دیا ہے جبکہ بقیہ چار وہ روحیں ہیں کہ جن روحوں کو اس نے دیا تو انسانوں کو لیکن ان چاروں روحوں کے رکھنے والے یہ سارے انسان نہیں ہیں بلکہ ان چار روحوں میں سے تین روحیں سارے انسانوں کے پاس ہیں اور چوتھی روح روح ایمان صرف ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے مؤمن بنایا ہے جو صاحبان ایمان ہیں کہ جن کے وہاں نوازے بھی ہیں عبادتیں بھی ہیں جن کے وہاں روزے بھی ہیں اور اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ تین روحیں جن انسانوں کے پاس ہیں ان کو قرآن مجید نے انسانوں کے درمیان ہونے کے باوجود انسان نہیں سمجھا ہے بلکہ نوبت یہ ہے کہ اب یہ انسانوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے باوجود یہ حیوانات کے جیسے ہو گئے
बल्कि बल हम अदल ये उन हैवानात से भी नीचे बस्ती में जाकर गिर गए। इस बिना पर सिर्फ और सिर्फ अब वो अफराद के जिनके पास खुदावंद करीम की अदा करदा ये चार रूहें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इन चार रूहों की हिफाजत करें। इसलिए कि जिसके पास मिट्टी होती है वो यकीनी तौर के ऊपर मिट्टी की हिफाजत नहीं करता, लेकिन जिसके पास घर में हीरा होता है, मिट्टी जिसके घर में होती है वो रात भर सो के गुजारता है, जिसके घर में हीरा होता है वो बाज़ाबात अक्सर रातें जाग कर गुजारता है। इसके माना ये है कि जिसके पास कीमती चीज हो और उसको उसकी कीमत का एहसास भी हो तो अब उसकी कीमत का एहसास उसको सोने नहीं देता। ये एहसास, ये जज्बात अगर उनको पता चल जाए कि हमारे पास जो चीज है वो दुनिया में बकिया के पास नहीं है, तो अब ये इंसान मजबूर है उस चीज की हिफाजत के लिए रातें जाग कर गुजारेगा। इसीलिए रवायतों ने कहा कि जिसको अपनी अजमत का एहसास हो जाता है, जिसको पता चल जाता है कि खुदावंद करीम ने उसको क्या दर्जा दिया है, खुदा ने उसको क्या मंजिलत दी है, तो अब उसकी रातों की नींद कम हो जाती है। इसलिए कि अब इसके पास वो नायाब चीज है, इसके पास वो हीरा है कि जो हीरा सबके पास नहीं है, तो अब उस हीरे की हिफाजत के लिए रातों को इबादत करेगा, रातों को जाग कर गुजारेगा, अपने परवरदिगार से राज व न्याज करेगा। आप महसूस करें, मौला फरमा रहे हैं कि ये चार रूहें, इन चार रूहों को अगर यकीनी तौर के ऊपर मजबूत करना है, कवी करना है, कल की गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर मजबूत करना है, कवी करना है, तो पहले तो ये समझना होगा कि इन तीन और चार रूहों पर क्या असरात मुतरतिब हो रहे हैं। इसलिए कि जब छोटा सा गुनाह होता है तो इन चार में से तीन रूहें मुतासिर होती हैं। सबसे पहला नुकसान रूह ईमान का, इस रूह ईमान की तीन कमियां सामने आती हैं उस छोटे से गुनाह की बिना पर। वो तीन कमियां कौन कौन सी? सबसे पहली कमी ये कि इंसान अब अपनी नमाजों के वक्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि नमाज शब न तो रात में पढ़ता है न सुबह पढ़ता है। और तीसरा नुकसान ये होता है कि अब ये इंसान जमात में शिरकत करना छोड़ देता है। ये तीन नुकसान रूह ईमान के हुए। और दूसरे मरहले में जब रूह कुव्वत पर इस गुनाह का असर हुआ तो नतीजा ये हुआ कि ये इंसान अब इस मौके के ऊपर के जब मैदान जिहाद में उसको खड़े रहना है, मैदान जंग में उसको जंग करना है, अपने कदमों को पीछे खींच लेता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि रूह कुव्वत के कम हो जाने की बिना पर अब ये इंसान अपनी रोजी को, अपने रोजगार को हासिल करने में कोताहियां शुरू कर देता है। और तीसरे मरहले में जब यही इंसान की रूह शहवत कमजोर पड़ने लगती है छोटे से गुनाह की बिना पर, तो अब ये इंसान है कि जिसकी रूह शहवत कमजोर हो गई, उसके लिए नतीजा होता है कि उसके पास जो चीजें हलाल थीं उन हलाल चीजों की लज्जत को वो खो देता है। ये नुकसान हुआ रूह शहवत का। अब जो रूह बदन सामने आई तो रूह बदन का खुद तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये रूह बदन है कि जो बकिया रूहों के साथ मिलकर उनकी खिदमत गुजार बन के रहती है। जहां बकिया रूहें होंगी वहीं पर ये भी होगी। अब नतीजा ये हुआ कि एक गुनाह के बाइस ये तीनों रूहें मुतासिर हुई, लेकिन अब जो मजीद गुनाह की कोशिश की तो सबसे पहले वही रूह सामने आई कि जिस पर इस गुनाह का असर नहीं हुआ था। तवज्जो फरमाए, लताफत को आप महसूस करें। तीन रूहें मुतासिर हुई एक छोटे से गुनाह से। इंसान ने एक झूठ बोला था, इंसान ने एक दफा किसी की गीबत कर ली थी, इंसान ने किसी को एक दफा सताया था, इंसान ने किसी के ऊपर एक दफा जुल्म किया था। अब नतीजा यह हुआ कि तीन रूहें मुतासिर हुई, लेकिन चौथी रूह अभी मुतासिर नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद अब नौबत यह है कि यह चौथी रूह मजीद गुनाह के लिए सबसे पहले आगे बढ़ती है। महसूस कर रहे हैं आप? अब यह रूह है बदन है कि जो उस पहले गुनाह से तो मुतासिर नहीं हुई,
लेकिन अब बड़े बड़े गुनाहों के लिए रूह बदन सबसे आगे आएगी, ये इंसान को आगे पढ़ने के लिए ताकत देगी, आगे पढ़ने के लिए जुरात देगी, आगे पढ़ने के लिए गोया धक्का देगी। अब नतीजा ये है कि इंसान आगे बढ़ रहा है, उस गुनाह को करने के लिए जा रहा है। अब यहां पर रूह शहवत सामने आती है, रूह कुव्वत ने कहा कि मैं ताकत दूंगी, रूह बदन ने कहा कि तुम आगे आगे चलो, मैं साथ साथ हूं। और नौबत यहां तक पहुंची कि रूह शहवत ने कहा कि जिस काम को तुम करने जा रहे हो ये काम हलाल है, हराम नहीं है। मैंने अर्ज किया था कि अब रूह शहवत का काम ये सामने आता है कि वो हराम काम को हलाल बनाकर पेश करती है। कुरान मजीद ने भी इसको बड़े ही अच्छे लफ्जों में याद किया है। देखिए ये रूह शहवत इंसान के अंदर ख्वाहिशात की रूह बड़ी खतरनाक चीज है। एक दफा दुरूद भेज दे तो मैं अर्ज करूंगा। ख्वाहिशात बड़ी खतरनाक चीज है। इसी बिना पर आप गौर कीजिए कि मौला ने इस हदीस के अंदर रूह शहवत की यह खासियत पेश की कि रूह शहवत ही है कि जो हराम को हलाल बनाकर पेश करती है। और कुरान मजीद ने सूरह हुजरात में यह काम रूह शहवत का नहीं बयान किया है बल्कि यह काम किसी और के लिए जिक्र किया है। कुरान क्या कहता है? कुरान मजीद ने सूरह हुजरात में कहा वज़य्यना लहुमुश शैतान अअमालहुम। कुरान कह रहा है कि शैतान ने इनके बुरे अमाल को इनके लिए अच्छा बना दिया। इसके माना यह है कि रूह शहवत का कुछ ना कुछ रिश्ता शैतान से जरूर है। कुरान कह रहा है कि यह काम शैतान करता है, मौला बयान कर रहे हैं कि यह काम रूह शहवत करती है। यानी अगर यह रूह शहवत जो इंसान के अंदर पाई जाती है अगर इस रूह शहवत पर इंसान ने कंट्रोल कर लिया तब तो ये इंसान की रूह कहलाएगी और अगर कंट्रोल न किया रहेगी इंसान के अंदर लेकिन शैतान बन जाएगी। और जो फरमा रहे इसलिए कि कुरान कह रहा है वज़य्यना लहुमुश शैतान अअमालहुम, इनके अमाल को इनकी बुराइयों को शैतान ने इनके लिए अच्छा बना दिया। अब नतीजा क्या हुआ? अब इंसान उस बुराई को बुरा नहीं समझ रहा है, उस कमजोरी को कमजोरी नहीं समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब सुनिए इन चारों रूहों को कवी करने के लिए नुस्खा क्या बताया गया? बेहतरीन सूरत यह है कि तुम इस नुस्खे पर अमल करो ताकि ये चारों रूहें कवी हो जाएं। सबसे पहली रूह रूह ईमान, उसको कवी करने का सबसे उम्दा तरीका उसकी बुनियाद को मजबूत करो। आपने कभी कभी देखा होगा इमारतें बहुत खूबसूरत बनी हैं लेकिन फिर भी आप किसी इंजीनियर को उस इमारत मिलाकर खड़ा कर दिए वो आपसे कहे कि इसमें घर ना खरीदना, देखने में बड़ी खूबसूरत है, एरिया बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े रूम है, बड़ी बड़ी जगह है, सब कुछ अच्छी है, क्यों ना खरीदो? कहा इसलिए कि इस बिल्डिंग की उम्र ज्यादा नहीं है, बुनियाद कमजोर है, इमारत खूबसूरत है लेकिन यह खूबसूरती उस इमारत को लंबी उम्र नहीं दे सकती। तो लंबे सजदे इंसान को यकीनी तौर के ऊपर कभी मोमिन नहीं बना सकते, इंसान की नमाजें इंसान को कभी मोमिन नहीं बना सकती, इंसान की इबादतें इंसान को कभी मोमिन नहीं बना सकती जब तक कि इसकी बुनियाद मजबूत ना हो। तो इसके माना यह है कि बुनियाद को मजबूत कर लो। अब जब बुनियाद मजबूत हो जाएगी तवज्जो फरमाए, किसी इमारत की बुनियाद कमजोर थी, इमारत खूबसूरत थी लेकिन खूबसूरती मिट्टी में मिली जा रही थी, इसी बिना पर के इसकी बुनियाद कमजोर है लेकिन अगर इसी इमारत की बुनियाद को मजबूत कर दिया जाए अब नतीजा क्या होगा? वो जो इमारत की खूबसूरती है, जो बिल्डिंग की खूबसूरती है, वो अभी तक तो मिट्टी में मिली जा रही थी लेकिन जहां बुनियाद को आपने मजबूत कर दिया, बेस कवी कर दिया, अब नतीजा ये हुआ कि इमारत की खूबसूरती बढ़ी नहीं, इमारत की खूबसूरती अभी भी वही है जो पहले थी लेकिन अब यह खूबसूरती लंबी उम्र वाली हो गई। इसके माना यह है कि अगर इमारत इंसान की मजबूत हो जाए बेस की बुनियाद पर तो खूबसूरती भी लंबी उम्र वाली हो जाती है। अगर लंबे लंबे सजदे हैं, अगर लंबी लंबी नमाजें हैं, अगर लंबे लंबे इबादतों के तरीके हैं लेकिन बुनियाद कमजोर है तो कुछ ही दिन बाद ये लंबे सजदे भी खत्म हो जाएंगे, नमाजें भी खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म। लेकिन अगर बुनियाद मजबूत है
तो फिर रोजे होंगे, नमाजें होंगी, सजदे होंगे, सब कुछ होंगे। वो अपनी जगह पर इस तरह से बाकी रहेंगे कि उसके अंदर कुव्वत पैदा हो जाएगी। हम इसीलिए कहते हैं कि हुसैनी कभी सजदा नहीं छोड़ सकता। सुनिए, क्यों नहीं छोड़ सकता? इसलिए कि उसकी बुनियाद मजबूत हो जाती है। हमने देखा, हम अर्ज कर चुके हैं, फिर दोबारा आपकी खिदमत पेश कर, हमने ये देखा है कि एक मौके के ऊपर कायनात का सबसे अजीम रसूल, उनसे बेहतर कायनात में कोई नबी कोई रसूल नहीं आया, सबसे ज्यादा जो परवरदिगारे आलम का मुकर्रब नबी था, उसको हमने देखा कि नमाज पढ़ रहा है। जरा आप सोचिए, जो खुदा का इतना मुकर्रब, उसकी नमाज कैसी होती होगी, उसके सजदे कैसे होते होंगे, उसका रुकू कैसा होता होगा। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि जब रसूल सजदे में गए और हुसैन पुश्त पर आ गए, क्या कहना, तो अब उस रसूल ने जो सबसे ज्यादा अजमत वाला था, उसने भी अपने सजदों को लंबा कर दिया। यानी इसके माना यह है कि हुसैन अगर रसूल से करीब हो जाए तो रसूल का सजदा भी लंबा हो जाता है। तो अगर किसी इंसान के दिल में हुसैन की मोहब्बत बैठ जाए तो सजदे कम नहीं होंगे, तूलानी हो जाएंगे। बेटे मोहम्मद वाले, और इसीलिए इस पूरे कजिए को बरअक्स कर दीजिए, अगर यह बात है कि हुसैन करीब है तो सजदे लंबे हो गए, तो इसको उलट दीजिए, अगर सजदे नहीं हो रहे हैं, अगर नमाजें नहीं पढ़ी जा रही हैं, अगर इबादतें नहीं हो रही हैं, तो फिर कहने दीजिए कि जबान पर तो हुसैन है लेकिन अभी बुनियाद मजबूत नहीं हुई है। इसलिए कि अगर बुनियाद मजबूत होती तो फिर हमने तो ये देखा है कि हुसैन और असहाब हुसैन ने बरसते हुए तीरों में नमाज पढ़ी है। तो जब बरसते हुए तीरों में हुसैनी नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या दौरे आज़िम का हुसैनी हो सकता है कि सारी रात तो या हुसैन कहे लेकिन नमाज सुबह के वक्त सो जाए? ये नहीं हो सकता। इसके माना ये है कि अभी इसके कल्ब जिगर में, इसके वजूद में हुसैन उतरे ही नहीं। अगर इसके पूरे वजूद में हुसैन उतर जाए तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुद बहुत पढ़कर नमाज पढ़ने लग जाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो अमल के लिए, इंसान के रूह ईमान के लिए बुनियाद है उसका अकीदा। अगर अकीदा मजबूत है तो खुद बखुद ये इंसान अपनी इबादतों की दुनिया में मजबूत होता जाएगा, कभी होता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि नमाज शुक्र परवरदिगार है। आखिर आप महसूस कीजिए, हर इंसान की यह जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी ने एक वक्त की चाय पिला दी तो आप एक दफा शुक्रिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इतना तो आपके अंदर अखलाक है, ये मैनर तो आपने सीखे हैं कि अगर किसी ने आपके साथ एहसान किया तो आप उसको थैंक यू बोलें। तो जरा सोचिए कि एक चाय पर तो एक थैंक यू है, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी दे दी, एक एक सांस एहसान परवरदिगार है, क्या उस एहसान का तकाजा नहीं है कि ये इंसान अपने सर को सजदे में रख कर कहे, खुदारा तेरा एहसान है कि तूने मुझे जिंदगी दी है। आप महसूस करें, शहजादी दो आलम हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक खुतबा दिया है कि जो इतना अजीम शान खुतबा है कि जिस खुतबे के लिए मिलता है कि इस खुतबे को हमेशा पढ़ते रहो। सोचिए आप, इतना ज्यादा अहम खुतबा, और यह खुतबा कहां पर दिया? अपनों के दरमियान नहीं दिया, दुश्मनों के मजमे में। आपके लिए तारीख कहती है कि जिस मौके के ऊपर आप अपना हक लेने के लिए बैतुल शरफ से निकली है, अंदाज यह है कि आपके चारों तरफ बनी हाशिम की खवातीन हैं जो पहरा दे रही हैं, बीच में शहजादी दो आलम है मस्जिद तशरीफ ला रही हैं। और अर्ज करो कि मस्जिद और शहजादी के घर में फासला कितना है? मैंने जो अर्ज किया कि ये खवातीन के हिसार में शहजादी तशरीफ ला रही हैं, तो ये ना सोचिएगा कि एक कोस दो कोस दूर घर था, बल्कि शहजादी का बैतुल शरफ ऐसा था कि जिसका दरवाजा खुद मस्जिद में खुल रहा था। अब जरा एहतियात मुलाहिजा फरमाएं, हमारी मुअज्जज़ ख्वातीन अगर मेरी आवाज सुन रही है तो वाकई कद्र महसूस करें। शहजादी अपना हक लेने के लिए आ रही हैं,
इस्लाम ने मना नहीं किया है खवातीन को, ये पाबंदी नहीं है कि अपने घर में बंद रहे, नहीं, अपने हक को लेने के लिए बाजार में आ सकती हैं, लेकिन उनके हाथ से पर्दे का दामन न छूट जाए। महसूस करें, शहजादी अपने बैतुल शरफ से निकल रही हैं। और इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, बात आ गई तो अर्ज कर दूं, मसला खवातीन का नहीं है, मसला उनके शौहरों का है। जरा इंसाफ से बताइए कि अगर किसी मौके के ऊपर आपकी अहलिया ने आपसे यह कहा कि आप जा रहे हैं जरा लॉकर की तरफ से गुजरेंगे तो वापस आते वक्त आप लॉकर से मेरा सेट निकाल लाइएगा, होता है कि नहीं होता है? अब जरा आप इंसाफ से बताइए कि जब आप गए लॉकर को खोला आपने तो अपने साथ पहले से इंतजाम करके गए हैं, किसी खास किस्म की थैली को लेकर गए हैं, आपने लॉकर से सेट निकाला और जल्दी से थैली में रख लिया और इसको लेकर आप घर में आ गए, हुआ कि नहीं हुआ? जरा इंसाफ से बताइए, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने लॉकर से हीरे का सेट तो निकाला लेकिन अब बैंक से लेकर घर तक उसको हाथ में यूं हथेली पे लिए चले आ रहे हैं? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? इसके माना यह है कि आप आम हालात में मसलन एक रुपए का सिक्का है आप उसको हाथ में लेकर आ सकते हैं बाजार में, 10 रुपए का नोट है उसको हाथ में लेकर आप आ सकते हैं, 100 रुपए का नोट है उसको शायद मुमकिन है आप हाथ पर लेकर रस्सा तय कर लें, लेकिन कभी हीरे का सेट आप हाथ पर लेकर नहीं निकलेंगे, इसलिए कि हीरा कीमती है और कीमती चीजों को छिपा कर लाया जाता है कि कहीं बुरी नजर ना पड़ जाए। तो आप ये ना कहिए कि खवातीन पर्दा नहीं करती, खवातीन को कहना चाहिए कि अपने शौहरों से कि तुम्हारी निगाह में हीरा कीमती है, मैं कीमती नहीं हूं। तो बात हुई ना, अगर तुम्हारी निगाह में अपने शौहरों से कहना चाहिए अगर तुम्हारी निगाह में हीरा कीमती है तो क्या मैं तुम्हारे लिए हीरे जैसी नहीं हूं? तुम हीरे को छिपा कर लाते हो लेकिन जब मुझे लेकर जाते हो तो सर पर रहना लेकर जाते हो। दो बेटे मोहम्मद वाले, खुद इंसाफ से बताए है कि नहीं? इंसान जिस चीज को कीमती समझता है उसको जितना ज्यादा छिपा के रखे वो उसके लिए बेहतर समझता है, और है भी हकीकत भी है। शहजादी अपने बैतुल शरफ से निकली है, अंदाज ये है कि बनी हाशिम की खवातीन आपका हिसार किए हैं, कायनात की सबसे ज्यादा बेहतरीन खातून आज मस्जिद में अपना हक लेने आ रही है। आने के बाद एक पर्दा लगाया गया, एक तरफ खवातीन है एक तरफ मर्द बैठे हैं, इसी मस्जिद के अंदर मिंबर सजा हुआ है, मिंबर के ऊपर हाकिम बैठा हुआ है, अपने हक को लेने का अंदाज देखिए। देखिए, सबसे पहले इंसान की जिम्मेदारी यह होती है कि खुद को पहचानवाए, बताए कि मैं कौन हूं। शहजादी ने यह काम किया, पहले खुद को पहचानवाया कि देखो मैं कौन हूं, और उसके बाद रिसालत नाब की फजीलत बयान की। उसके बाद आप जरा महसूस करें, शहजादी क्या करने आई? शहजादी इस दरबार में अपना हक लेने आई है, और बयान क्या कर रही है? बयान जो परवरदिगार आलम ने अहकाम इंसान के लिए लाजिम किए हैं उनकी हिकमत बयान कर रही है, उनकी फिलॉसफी को बयान कर रही है। शहजादी, आपको जमीन चाहिए है, आपको बाग फिदक चाहिए है, आपको अपने दरख्त चाहिए है, दरख्त की डिमांड कीजिए वापस चली जाइए, अपनी जिस चीज को आपके गस्प किया गया है उसको मांगिए वापस चली जाइए। नहीं, शहजादी इस दरबार में भी इस जगह पर भी आने के बाद ये नहीं कह रही है कि मैं मेरा हक वापस करो, बल्कि अपने हक के मुतालबा करने से पहले अपना दिमाग अपनी डिमांड पेश करने से पहले अहकाम की फिलॉसफी को बयान कर रही है कि मुझको पहचानो तो तुम जिस चीज की इबादत करते हो, जिस चीज को इबादत समझते हो, मैं उसकी फिलॉसफी समझा रही हूं। तवज्जो फरमा रहे, यानी शहजादी दो आलम ये बता रही हैं कि मुझको मामूली न समझना, बल्कि मेरा रिश्ता मेरे परवरदिगार से इतना कवि है, खुदा ने सिर्फ तुमसे नमाज पढ़ने के लिए कहा है, मुझको नमाज के साथ साथ फिलॉसफी भी समझाई है। यानी अब आम इंसान शहजादी दो आलम को मामूली दर्जा न दे। उसके बाद शहजादी दो आलम ने बहुत ही उमदा किस्म का खुतबा है जो वाकई तौर के ऊपर नादिर है, यानी ऐसा खुतबा आपको शायद ही कहीं मिल पाए। उस मौके के ऊपर अब शहजादी द्वारम सारे अहकाम की हिकमत को बयान कर रही हैं, रोजा क्यों वाजिब किया गया, ज़कात क्यों लाजिम की गई, हज क्यों फर्ज किया गया, कुरान का पढ़ना क्यों जरूरी है, सारी चीजें। और इस दरमियान एक जुमला फरमाया,
فرض الله الصلاه تنزيها عن الكبر, खुदा बंदे करीम ने नमाज को तुम्हारे लिए इसलिए लाजिम किया ताकि तुम तकब्बुर से बच सको। तवज्जो फरमाई, ये कौन किस मौके पर बयान कर रहा है? शहजादी दो आलम है, हाकिम मिंबर पे बैठा है, आप बयान दे रही हैं, अपना फिदक का मुतालबा लेकर आई हैं और उस मौके पर कह रही हैं कि अगर नमाज पढ़ोगे तो तकब्बुर से बच जाओगे। यानी इसके माना यह है कि शहजादी ये पैगाम दे रही हैं कि अगर तुम मिंबर पे बैठने वाले नमाजी होते तो कभी तकब्बुर न करते। तो तकब्बुर बता रहा है कि तुम्हारी नमाज सिर्फ उठक बैठक है, इबादत नहीं है। और उसके बाद उलमा ने इसकी तफसीर लिखी है, क्या वजह है कि यह नमाज इंसान के लिए उसको तकब्बुर से किस तरह से बचाती है, उसके रीजन लिखे हैं। पांचे हैं, मैं तकरीबन एक या दो ही आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इसलिए कि वक्त मेरा महदूद है, आप महसूस करें। परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए नमाज को फर्ज किया, लेकिन अगर ये नमाज ना होती, आपने कभी देखा होगा बहुत से ऐसे भी अफराद होते हैं कि जो आपके पास चंदा लेने के लिए आए, आपसे वो इल्तिजा कर रहे हैं कि दे दो दे दो दे दो, आप फिर नहीं देंगे। अचानक आप अपनी जगह से उठे, आप मुसल्ले पे खड़े हुए, अब जो आपने कुनूत के लिए हाथ उठाया, रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना, खुदारा हमको जिंदगी में इस दुनिया में भी नेकी दे दे, आखिरत में भी नेकी दे दे, तो जो मांगने आया था वो भी तो सुन रहा है। उसके जहन में तसव्वुर पैदा हुआ कि नहीं कि हम जिससे मांग रहे थे वो तो खुद मोहताज है। तवज्जो फरमाई, तो जब हम जिससे मांग रहे थे वो खुद मोहताज है तो हम भी वहीं चले जहां ये खड़ा हुआ मांग रहा है। तो आप समझ में आया कि वो तकब्बुर जो तुमने दूसरों के सामने किया था वो तकब्बुर यहां आकर टूटा। अगर आकर मुसल्ले पर खड़े हो गए तो अब ये तसव्वुर पैदा हुआ कि जो कुछ भी ऊपर से मिला है उस पर मुझको इतना ही बस इख्तियार है कि मैं दूसरों पर खर्च कर सकूं। और सुनिए एक और वजह लिखी है, इंसान जब भी किसी के सामने अकड़ता है, आपने देखा होगा बस इंसान होते हैं कि जिनके वहां ये मिजाज होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस दुनिया को फतह कर लिया, उस दुनिया को फतह कर लिया, पूरी कायनात मेरे कब्जे में है, और बाज़ोकात तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मैं चाहूं तो तुमको फना कर दूं, मैं चाहूं तो बिल्डिंग गायब हो जाए, मैं चाहूं तो बिल्डिंग में आग, बातें होती कि नहीं होती है। ये बड़े बड़े दावे करने वाला इंसान, अगर इससे ये कहिए कि ये सामने जो इंसान मौजूद है ये तुमसे ज्यादा कवि है तो इसके दावे और बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा कवि हूं ये कवि नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही इंसान किसी की बारगाह में आकर खड़ा हो जाए और ये आवाज से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तो ये लफ्जे खुद बताएंगी कि जो दावे थे वो झूठे थे, इसलिए कि इसके पास खुद कुछ नहीं है बल्कि जो कुछ भी है खुदा का दिया हुआ है। बात और आगे बढ़ेगी, जब ये इंसान रुकू में जाएगा तो समझ में आएगा कि कोई है कि जिसके सामने इसने खुजू इख्तियार किया, जिसके सामने ये झुक गया, और जब उसके बाद ये सजदे में सर रख देगा तो अब इसीलिए सजदा इंसान के लिए मेराज बन गया कि जैसे ही सजदे में सर रख दिया सारा गुरूर टूट गया, इसलिए कि सजदे में पेशानी भी आ गई, नाक भी आ गई, और जहां नाक खाक से मिलती है वहीं से अजमतें शुरू होती है। नहीं, मैं अपने लफ्जों को और वाजे कर दूं आपके लिए, आपने देखा होगा इंसान जब कोई सवारी नहीं थी तो साइकिल पे चलता था, और साइकिल उस जमाने में बहुत अहमियत रखती थी। मुझे भी याद है जिस जमाने में पढ़ने जाता था तो साइकिल की बड़ी अहमियत थी, मैंने भी बड़ी तमन्ना की थी कि अच्छी सी साइकिल मिल जाए, अच्छी सी मिल गई थी साइकिल, तो जब मैं साइकिल पर बैठ के चलता था तो किस अंदाज से चलता था, अकड़ के चलते थे कि नहीं शुरू शुरू में। उसके बाद बाइक का जमाना आया तो अब साइकिल, क्या साइकिल की अहमियत कम हो गई, अब जब बाइक पे बैठे तो और बड़ा अच्छा लगा कि साइकिल को क्या अहमियत दी थी, बाइक को सोचिए कितनी अहमियत है। उसके बाद जरा सा और ऊंचे हुए, अब नतीजा यह है कि अब यही इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने लग गया, और ज्यादा गुरूर पैदा हुआ, और ज्यादा ऊपर जाने लगा। अब जब पहली बार ये फ्लाइट में बैठकर आया तो हफ्तों जेब में टिकट रखे हुए था,
कितनों को दिखाया कि मैं हवाई जहाज में बैठ के आया हूं। इसके माना यह है कि इंसान जितना मिट्टी से ऊंचा होता गया मगरूर होता गया। तवज्जो फरमाने की नहीं, जितना ज्यादा मिट्टी से बुलंद होता गया, दूर होता गया, उसके वहां गुरूर पैदा होता गया। लेकिन जब पलट कर इसी मिट्टी पर आया, अपने सर को सजदे में रख दिया, अपनी नाक को इस मिट्टी पे मला, तो यह ऐलान किया वो परवाज इंसानी थी, ये परवाज रूहानी है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसान पलट कर इसी मिट्टी की तरफ आने वाला है। अगर बुलंदी की तरफ जा रहा है और मगरूर है, तो फिर इसके माना यह है कि इस इंसान ने अभी इबादतों को चखा ही नहीं है, इसने खुदा को पहचाना ही नहीं है। अगर आसमानों में उड़ने वाला इंसान जमीन पर वापस आके मगरूर हो सकता होता, तो फिर उस रसूल को गुरूर करना चाहिए कि जिसने पहला आसमान नहीं, दूसरा आसमान नहीं, सातों आसमानों को तय किया और फिर अर्शे बनी पर उस जगह भी पहुंच गया कि जिस जगह उससे पहले न कभी जिब्रील पहुंचे न उसके बाद पहुंचे। लेकिन हमने ये देखा कि रसूल न जब गए थे तब गुरूर था, न जब वापस आए तब गुरूर आया। इसके माना ये है कि बुलंदी की तरफ जाने में आयब नहीं है, बुलंदी से नीचे आने के बाद गुरूर करने में आयब है। तो इंसान अगर इससे बच जाए, इसीलिए शहजादी फरमाती हैं कि अस्सला फरजल्लाहु सला तंजीहन अनिल किब्र, परवरदिगारे आलम ने नमाज को फर्ज किया ताकि इंसान खुद को तकब्बुर से बचा सके। मैंने अर्ज किया कि रूह ईमान तब कवी होगी कि जब अकायद मजबूत होंगे। लिहाजा अपने जवानों के अकायद को जितनी ज्यादा मजबूती दे सकते हैं उतनी ज्यादा मजबूती दीजिए। हमारे वहां होता क्या है, हम बच्चों पर यह जोर जरूर डालते हैं कि नमाज पढ़ो, हम जवानों से यह जरूर पूछते हैं कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी घर के अंदर, लेकिन कभी उनके लिए हमने अकायद की तालीम का इंतजाम किया ही नहीं। अगर अकायद नहीं है तो जब तक आप देख रहे हैं वो नमाज पढ़ेगा, जहां आपकी निगाह हटी तो चूंकि बुनियाद कमजोर है वो नमाज छोड़ देगा। इसकी मिसाल आप देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सफर पे जाते हैं हफ्ते दो हफ्ते के लिए, आप दिल्ली चले गए, अब वापस आके जरा मालूम कीजिए अपनी अहलिया से, घर वालों से, कि आपके बेटे ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, क्यों? इसलिए कि कोई रात में पूछने वाला है ही नहीं, पूछते थे हर रोज, लिहाजा दोपहर और रात की नमाज पढ़ ली जाती थी। लेकिन जब आपने पूछना छोड़ दिया नमाज भी छूट गई। इसलिए छूट गई कि बुनियाद मजबूत नहीं थी। अगर अकायद कवी होते तो खुद बखुद ये नमाज पढ़ता। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो उस्ताद का है। इसीलिए रवायतों में बार बार ये ताकीद की गई है कि जिस उस्ताद का तुम खुद इंतखाब करो उसके अकीदे को जरूर देखो। आप सुनिएगा इराक का वाकया, एक बच्चे ने अपने मां और बाप दोनों को कत्ल कर दिया। अब जाहिर है कि तो बड़ी अजीब सी बात है, तुम 15-16 साल के जवान, तुमने अपने मां और बाप दोनों को कत्ल कर दिया, वजह क्या थी? कहा इसकी वजह मेरा उस्ताद है, मेरा टीचर है। उसने क्या किया? कहा अव्वलन तो मां और बाप को जो मैंने कत्ल किया है, इस कत्ल में उस्ताद तो शरीक है, मां और बाप भी जिम्मेदार है। हुआ क्या? का ये मेरा उस्ताद है कि जो हमेशा मेरे ब्रेन वॉशिंग करता था कि तुम दुनिया में गलत आए हो, मां और बाप को तुमको दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि मां और बाप तुमको दुनिया में लेकर आए। और उसके साथ साथ वो इंकार करता था कि खुदा ने तुम्हारे मां बाप पर जुल्म किया, खुदा ने तुम पर जुल्म किया लियाज़ बिल्लाह, खुदा ने तुम्हारे खानदान पर जुल्म किया, खुदा ने तुम्हारे कबीले पर जुल्म किया। वो मुसलसल खुदा के बारे में इतना मेरे जहन में बिठाता था कि मैं अक्सर जाके अपने मां और बाप से शिकायत करता था कि जिस उस्ताद के पास मुझे आपने भेजा है, ये उस्ताद हमेशा खुदा को बुरा कहता है, हमेशा आप लोग के बारे में गलत कहता है। मेरे मां और बाप उससे कहते थे, बेटा तुमको उसके जुमलों से क्या मतलब? ये जुमले लिखे उस लड़के ने नकल किया कि मेरे मां और बाप कहते थे कि तुमको उसके जुमलों से क्या मतलब है, वो एक अच्छा ट्यूटर है, अच्छा उस्ताद है, और उसके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा अव्वल नंबरों से पास होते हैं। तवज्जो फरमाइए, चीज है कि नहीं? हमारे बिल्कुल बयान नहीं, वही जुमले कि जो आज हमारे माशरे में कहे जाते हैं वही उसने नकल किए कि माँ और बाप हमेशा मुझे समझाते थे कि इसके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो तुम उसके अकायद पर न जाओ, उसकी तालीम देखो।
नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसने हमको इतना तैयार किया कि उस उस्ताद ने हमको समझाया कि देखो, अगर किसी ने तुम पर जुल्म किया हो तो जालिम को कत्ल कर देना चाहिए। उस्ताद की बात इतनी मेरे ऊपर असरअंदाज हुई कि मैंने जाकर सबसे पहले उन दो जालिमों को कत्ल किया कि जिनकी बिना पर मैं दुनिया में आया। तवज्जो फरमाई, यानी एक उस्ताद का बद अकीदा होना और किसी भी लड़के पर इतना असरअंदाज होता है। रवायतों में इसीलिए आया हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अपने बच्चों को कौम के हवाले करने से पहले उनके अकीदों को मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि अगर उनके ऊपर शुभात का हमला हो तो उनके कदम मुतज़लज़िल ना हो, उनके पांव डगमगाए नहीं। इसलिए कि अगर तुमने उनके अकायद को मजबूत कर दिया और जब वो सोसाइटी में दाखिल हुए तो जब हर तरफ से हमले शुरू होंगे तो अगर उनके अकीदे मजबूत हैं तो वो जवाब दे सकेंगे, अकीदे कमजोर हैं तो शायद मुमकिन है कि वो उन्हीं के साथ चले जाएं। मैं इसीलिए अक्सर कहा करता हूं कि मैं कॉन्वेंट की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। ये कोई जहन में तसव्वुर न पैदा करे कि हमारी इस तकरीर का मकसद ये है कि फिर किसी इंग्लिश स्कूल में न डाला जाए, किसी क्रिश्चियन कॉलेज में न रखा जाए। नहीं, बेहतरीन तालीम हमारा हक है, लेकिन उस तालीम से पहले अकीदे का पुख्ता करना यह भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ताकि ये बच्चा जब किसी दूसरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो फिर वहां के कल्चर को, वहां की तहजीब को, वहां के अकीदे को, वहां के असरात को लेकर वापस ना आए। लिहाजा सबसे पहले उनके अकीदे को मजबूत कीजिए, फिर उनके लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम कीजिए। इसलिए कि तालीम ही हर कौम की असास होती है। जिस कौम के पास पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, जिस कौम के पास ज्यादा अच्छे किस्म के वो अफराद के जो वाकई तौर के पर पढ़े लिखे शुमार किए जाएं, जिस कौम में ज्यादा होते हैं उस कौम की इज्जत भी ज्यादा होती है। और फिर कौन है कि जो इस कायनात में हमसे बेहतर हो? दुनिया में जिसके पास भी जाइए वो इल्म के लिए दूसरों का मोहताज दिखाई देगा। आप जिस भी कौम के पास जाइए, मैं लफ्ज़े जानबूझ के एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूं, कायनात की जिस भी कौम के पास जाइए वो दूसरों की मोहताज है इल्म के लिए, लेकिन वाहिद कौम है कि जिसका रहबर ऐसा है कि बकिया कौमें उसके पास इल्म लेने आती हैं, वो किसी के पास इल्म लेने नहीं जाता। तो इसके माना यह है कि फिर अली के चाहने वालों को भी ऐसा होना चाहिए कि बकिया आए, ये किसी के पास ना जाए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो सबसे पहले मरहले में रूह ईमान को कवी करने के लिए अकीदा पुख्ता होना चाहिए, और फिर दूसरे मरहले में यही रूह है शहवत है कि जिसको कुव्वत देने के लिए सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो यही रूह है शहवत को कंट्रोल में रखना है। ख्वाहिशात बेपनाह है, तमन्नाएं आरजुएं बहुत ज्यादा हैं, उन पर अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकती है तो वो सिर्फ एक चीज है, वो है अहकाम, वो है फिक्र, वो है हमारी शरीयत। जितना इस शरीयत पर इंसान अमल पैरा होता जाएगा उतना ही ज्यादा वो ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा करता है। सुनेंगे आप, वाकई तौर के पर जिस मौके के ऊपर अहकाम की पैरवी के सिलसिले में रवायात या आयतें या वाकयात को आप देखिए तो हैरत होती है कि अहकाम की पैरवी का यह भी अंजाम हो सकता है। यानी अगर अहकाम के ऊपर अमल किया जाए तो क्या नतीजा, ना अमल किया जाए तो क्या नतीजा। वाकियन एक शख्स है, बनी इसराइल में बहुत बड़ा आबिद समझा जाता था। एक दिन उसको पता, हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ साबित की नहीं, हमारी भी यही जिम्मेदारी है। उसको एक दिन पता ये चला कि मैं तो आकर यहां इबादत करता हूं गार में बैठकर, लेकिन जिस कौम से मैं निकल कर आया हूं वो कौम इतनी पस्त हो गई है कि एक दरख्त की इबादत कर रही है। पूछा क्यों? पता ये चला कि उस दरख्त के अंदर शैतान हुलूल कर गया है और शैतान मुंह से आवाजें निकालता है। अब लोग ये समझते हैं कि दरख्त बोल रहा है, तो जहां दरख्त ने बोलना शुरू किया हर नई चीज इंसान को अट्रैक्ट करती है, हर शख्स उसके पास पहुंचा। अब जाहिर है कि जब वो नाम ले लेकर दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया तो अब इनके भी सर झुकते गए कि नाम कौन जानता है सिवाय खुदा के। तो अब इन्होंने अपने इस दरख्त को अपना खुदा समझ लिया।
इस आबिद को बहुत बुरा लगा। आबिद ने कहा कि यह दरख्त यकीनी तौर के ऊपर शैतान की बिना पर बोल रहा है, लिहाजा मैं जाकर इस दरख्त को काट दूंगा। रात में यह कुल्हाड़ी लेकर गया, दरख्त के करीब खड़ा हुआ, चाहता था कि पहली कुल्हाड़ी मारे। अचानक अंदर से शैतान इंसानी शक्ल में निकल आया। आप जानते हैं शैतान को परवरदिगार आलम ने खासियत दी है कि इंसान के ख्वाब में भी आ सकता है, आम हालात में भी आ सकता है। तवज्जो फरमा रहे, शैतान जिस्म के साथ सामने आ गया और आने के बाद कहा, क्या कर रहे हो? कहा, मैं ये दरख्त काट रहा हूं कि जिसमें तुम घुस कर बोलते हो और लोग इसको खुदा समझ रहे हैं, तो हम अगर इसको जड़ से ही काट देंगे तो खुदा ही खत्म हो जाएगा, लिहाजा हम इसको मिटा देना चाहते हैं। कहा, इसको मिटाने से पहले पहले मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर मुझ पर गालिब आ गए काट देना, न गालिब आए तो वापस चले जाना। दोनों में कुश्ती शुरू हुई। आबिद की इबादत, आबिद का तकवा, आबिद का खुदा पर भरोसा इतना ज्यादा था कि ये उस शैतान पर गालिब आ गया। लेकिन अब वही शैतान, वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, शैतान बुराई को अच्छा बनाकर पेश करता है। उसने कहा, क्यों तुम दरख्त काट रहे हो? तुम गालिब आ गए, दरख्त क्यों काटना चाहते हो? कहा, इसलिए कि लोग इसकी इबादत कर रहे हैं, खुदा को छोड़े हुए हैं, कभी तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है? ये भी हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? हम आप यही सोचते हैं, उनको करने तो हमसे मतलब ही क्या है, हमारा क्या नुकसान है? शैतान ने कहा, तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है? अगर तुम्हारे खुदा को ये नहीं मानते तो तुम्हारा कौन सा नुकसान है? तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर ऐसे ही है तो मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूं। अब इनके भी कान खड़े हुए कि शैतान भरपाई करेगा तो कैसे? कहा, देखो, तुम्हारे घरेलू हालात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी सारी मुश्किल ये है कि तुमको इबादत के लिए वक्त कम मिलता है, तुमको जाकर अपनी माश को तलाश करना होता है, रोजी रोटी को तलाश करना होता है, रोजगार के लिए तुम निकलते हो तो जाहिर है कि 5-6-7-8 घंटे तुम रोजगार में सर्व कर देते हो, इबादत कम कर पाते हो। देखिए नफ्सियात साइकोलॉजी किस तरह से यूज की जा रही है, तुम इबादत कम कर पाते हो, मैं चाहता हूं कि तुम ये 8 घंटे भी इबादत में गुजार दो। कभी वो तो नहीं हो सकता, बाल बच्चे हैं, उनका पेट है, हमको जिंदगी गुजारनी है। कहा, वो मेरे जिम्मे। कैसे? कहा, तुम सिर्फ मुसल्ले पर बैठ कर नमाजें पढ़ा करो, मैं हर रोज तुम्हारे मुसल्ले के नीचे 2 दीनार लाके रख दिया करूंगा। उठाना इबादत के सिले में समझना कि मुझको ये 2 दीनार मिले हैं और उसके बाद अपने घर का खर्चा चलाने लग जाना। आबिद ने कहा कि मामला बुरा नहीं है, अगर दरख्त को छोड़ दूं मैं और जिंदगी भर 2 दीनार मुझको मिले तो कौन सा बुरा सौदा है? शुरू हो गई जिंदगी अब नए सिरे से। अब जो वक्त रोजी रोटी में गुजरता था वो मुसल्ले पे गुजर रहा है, और जिस मौके के ऊपर रोजी रोटी हासिल करके घर आते थे उस मौके पर मुसल्ले से उठे, 2 दीनार उठाया, घर चले आए। अब घर वालों को भी शौक कि भाई बड़ी अच्छी बात है, पहले तो मुश्किल से 1 दीनार मिलते थे, अब तुमको डबल मिल रही है रोजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, घर में रौनक पैदा हो गई, आस पड़ोस में चर्चा हो गया। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है, खा रहे हैं घर वाले, पता किसी को नहीं है। आबिद भी बड़ा चालाक था, वो 8 घंटे घर से बाहर ही रहता था, इबादत वो 8 घंटे घर में नहीं हो रही है, कहीं और बैठकर हो रही है, किसी को शुभा ना हो जाए। इबादत शुरू, अब वहां दरख्त पूजा जा रहा है, यहां ये मुसल्ले पे बैठ के इबादत कर रहे हैं। इसीलिए अगर माशरे में मौजूद बुराई से इंसान आंखें बंद करके इबादत कर रहा है तो फिर इस इबादत की वक्त भी कम हो जाती है। असल जिम्मेदारी ये नहीं है, असल हुनर इंसान का ये नहीं है कि खुद ऊपर चला जाए, हुनर ये है कि दूसरों को भी सहारा दे के ऊपर ले आए। असल कमाल ये नहीं है कि खुद आबिद बन जाए, कमाल ये है कि 50-60 को खुदा का आबिद बना दे। तवज्जो फरमाए, जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। अभी तक तो हालात ये थे कि घर में मुश्किलात थी, कभी ऐसा हुआ कि इनको काम मिला काम नहीं मिला, मुश्किलात से जिंदगी गुजर रही थी। अब हर रोज बिल्कुल फिक्स टाइम के ऊपर 2 दीनार मिल रहे हैं, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब किसी से ना कर्जा लेना है, ना किसी को पैसा इजाफी देना, कोई मसला ही नहीं है, ना काम करना है, ना कोई और चीज है। लेकिन एक दिन इन्होंने ये देखा कि ये 2 दीनार 1 दीनार हो गए, इनको तो बड़ा ताव आया कि भाई मैं तो दरख्त छोड़कर आया था, इसीलिए छोड़ा था कि 2 दीनार मिलेंगे, यहां तो फिर वही रोजी आधी हो गई और वहां पर आकर रुक गई कि जहां से शुरू हुई थी, 1 दीनार से बात शुरू हुई थी, इसलिए कि 1 दीनार तो मैं खुद कमा लेता था, ये तो फिर रोजी आधी हो गई। 2-4 दिन के बाद वो 1 दीनार भी बंद हो गए। अब उस दिन शाम को तो बड़ा नुकसान हुआ,
इसलिए कि दोपहर के 8 घंटे भी इबादत में गए और शाम को 1 दीनार भी ना मिला। ये वो फिक्र है जो हमारे वहां भी है। हम और आप क्या कहते हैं, बहुत से लोग सुना है कि नहीं सुना है, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी कराए, लेकिन रोजी नहीं पढ़ रही है। यानी इसके माना यह है कि नमाजें इसलिए थी कि रोजी पढ़ जाए, रोजा इसलिए रखा गया कि रोजी बढ़ जाए, हज पर इसलिए गए थे कि रोजी में इजाफा हो जाए। रोजी में इजाफा ना हुआ तो समझ रहे कि ना नमाज हुई, ना रोजा हुआ, ना हज हुआ। तो ये फिक्र कहां से आई, ये वहीं से आई। उसने कहा कि ये तो बड़ी बेजा बात हुई, दोपहर से लेकर रात तक इबादत भी की और 8 दीनार भी नहीं मिला, हम घर कैसे वापस जाएंगे। खैर जैसे तैसे करके ये घर पहुंचे, घर वालों को दिलासा दिया, आसरा दिलाया और उसके बाद फिर कुल्हाड़ी उठाई, क्या चलो आज तो हम जरूर इस दरख्त को काट देंगे। आए जैसे ही चाहा कि पहली कुल्हाड़ी मारे, अचानक फिर शैतान निकल के आया, कहा फिर आ गए, कहा इसलिए आया हूं कि तुमने धोखा दिया। कहा मैंने कौन सा धोखा दिया, कहा तुमने वादा किया था कि तुम 2 दीनार हर रोज दोगे, मैं इबादत करूंगा तुम दीनार दोगे। कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कभी मुमकिन है कि शैतान इबादत के लिए 2 दीनार दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, तुमने उस वक्त भी सोचा होता। कहा ठीक है आओ फिर आज कुश्ती लड़ ले, फिर कुश्ती लड़ी, उस दिन ये गालिब हुए थे, आज शैतान गालिब आ गया। सुनिए वाकई दर्द है, आज नौबत ये पहुंची कि अब शैतान गालिब आ गया और अब उससे कहा कि अब तुम वापस जाओ, इसलिए कि तय हुआ था कि अगर तुम गालिब आ गए तो दरख्त काटोगे, मैं गालिब आ गया तो यकीनी तौर के ऊपर तुम वापस जाओगे। कहा ठीक है मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन बता ये दो कि तुम आज गालिब कैसे आ गए। सुनिए ये जो रूह है, शहवत है, इसको कंट्रोल करने के लिए तरीका क्या है। मैंने अर्ज किया कि अहकाम की पाबंदी इंसान की रूह शहवत को कमी करती है। शैतान से कहा ये बताओ कि उस दिन तुम कहे तुम्हारे ऊपर मैं गालिब आया, आज तुम क्यों गालिब आए। कहा बस फर्क यही है, उस दिन तुम आए थे खुदा के लिए, आज आए थे अपने दीनार के लिए। तवज्जो फरमाई, यानी जिस दिन तुम खुदा के लिए मैदान में निकल पड़े उस दिन तुम कामयाब हुए, लेकिन जिस दिन तुम रोजी के लिए निकले, जिस दिन तुम दीनार के लिए निकले, शैतान तुम पर गालिब आ गया। बस यहीं से फिक्रें समझ में आ गई, जिसकी निगाह में खुदा होता है वो सब पर गालिब होता है, लेकिन जिसकी निगाह में गैर खुदा होता है उस पर शैतान गालिब आ जाता है। तो बेटे मोहम्मद अगर पहले ही दिन अहकाम की पाबंदी होती, देखिए ये उसूल हमेशा याद रखिएगा, परवरदिगार आलम ने हर एक की रोजी रोटी को मुअय्यन किया है, लेकिन किसी को घर बैठे उसके मुंह में निवाला पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेहनत करो वो रोजी तुम तक पहुंचेगी। मिसाल दूं आपकी खिदमत में, जनाब मरियम के लिए कुरान मजीद ये कह रहा है कि जिस मौके के ऊपर जनाब मरियम जनाब ईसा को अपने बतन मुबारक में लेकर घर से निकली, पूरा वाक्य आपके जहनों में सिर्फ इशारा करना है, किस लिए जा रही है, इसलिए कि अब वक्त करीब आ रहा है जनाब ईसा को दुनिया में आना है। दर्द इतना शदीद है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक दरख्त के करीब से गुजरी, दरख्त बिल्कुल खुश, खजूर का दरख्त है, उस मौके के ऊपर कौम छोड़ चुकी है, जनाब मरियम यक्का तन्हा है, कोई मददगार नहीं है, क्या करें, दरख्त भी सूखा हुआ है, खजूर मिले तो कैसे मिले। अचानक आवाज आई कि ए मरियम इस दरख्त को हिलाओ, जब हिलाओगी तो इसमें से ताजी खजूरें गिरने लगेंगी। तवज्जो फरमाई, बस यही यहीं तक मैं आपको लेकर आना चाह रहा था, क्या जो खुदा सूखे हुए दरख्त से खजूर गिरा सकता है वो बगैर हिलाए हुए नहीं गिरा सकता था। ये हिलाने की बात क्यों की गई, यानी खुदा भी दर्स दे रहा है कि मेरा मोजिजा, मेरा साथ चाहते हो तो खुद भी हरकत करो, अगर तुम्हारे अंदर हरकत है तो खुदा की तरफ से बरकत है, और अगर तुम ही रुक गए तो फिर जो रोजी पहुंचने वाली थी वो भी रुक जाएगी। तवज्जो फरमाई आपने, तो यानी हम भी तो अपने कदम बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि नहीं हम अपनी जगह पे ठहरे रहें, प्लेट हमारे सामने आ जाए, खाना हमारे सामने आ जाए, बल्कि बात तो चाहते हैं कि निवाले भी मुंह के अंदर चले जाए, नहीं थोड़ी कोशिश तुम करो बरकत उधर से होगी। हकीकत यही है, हमको अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन ये करार देना चाहिए,
सबसे पहले मरहले में हम अहकाम को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे और दूसरे मरहले में हमको खुदा पर यकीनन भरोसा होगा, लेकिन इस खुदा पर भरोसे के साथ साथ हमारे वजूद में हरकत भी होना चाहिए, हमारे वजूद के अंदर ताकत भी होना चाहिए। जनाब मूसा बीमार हुए, गए तबीब के पास, तबीब से कहा मैं बीमार हूं मुझको दवा दे दो। अलबत्ता आप जानते हैं कि अंबिया इकराम का मरज मसलहत के लिए होता है ताकि इंसानों को दर्स दिया जाए। जनाब मूसा ने तबीब से कहा हमको दवा दो, उसने उस जमाने के एतबार से जो कुछ दवाएं तैयार हो सकती थी वो दवाएं तैयार की, जनाब मूसा के हवाले किया। ये घर वापस आ रहे थे, अचानक जहन में तसव्वुर ये आया कि मूसा शिर्क करते हो इसलिए कि तुमने खुदा के बजाय तबीब से दवा ली। अब घर का रास्ता तब्दील किया, कोहे तूर पे पहुंच गए। खुदारा मूसा आया है, क्यों आए हो? कहा बीमार हूं। कहा बीमार हो तो दवा लो। कहा भाई दवा तुझसे लेने आया हूं। आवाज आई, मूसा मैं तुम्हारी सेहत की दुआ को तब कबूल करूंगा जब इस दुआ के साथ दवा भी हो। यानी ये ना समझना कि वो दवा सब कुछ है, इस दवा के साथ खुदा की बरकत भी जरूरी है, और ये ना समझना कि दवा के बगैर सेहत मिलेगी, नहीं, दोनों चीजें जमा होंगी तब सेहत मिलेगी। यानी इसके माना ये है कि न दवा काफी है न दुआ काफी है, इसलिए कि सेहत दवा नहीं देती और दुआ पूरी तरह से सही नहीं करती, दोनों को जमा कर दोगे तो सेहत मिल जाएगी। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। वाकई तौर के ऊपर ये सारी चीजों को खुदा पर भरोसा भी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो जिंदगी की जरूरियात हैं उनको भी इंसान को इख्तियार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा पर तवक्कुल को गलत माना में समझने लग जाए। हमारे भाई बहुत बड़ा मसला यह है कि या तो हम इधर आते हैं या उधर चले जाते हैं। फास एक बिल्कुल फर्क जो होता है 180 डिग्री का होता है। या तो इतने ज्यादा खुदा से दूर हो गए कि अब हर एक को सब कुछ समझा सिवाय खुदा के। हमने यही तो समझा कि बॉस चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बॉस नहीं कर सकता है, काम करते रहो, खुदा अगर चाहेगा तो बॉस भी तुमको तरक्की दे सकता है। और कुछ ऐसे निकले कि जिनको खुदा पर इतना भरोसा कि उन्होंने दुनिया ही को छोड़ दिया। आप सुनिए आखिरी वाक्य और आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं। एक शख्स के बारे में ये वाकया दो हस्तियों से मिलता है, हुजूर अकरम के लिए भी मिलता है और छठे इमाम से भी मिलता है। हुजूर अकरम के लिए मिलता है कि उनसे आकर शिकायत ये की गई कि आपका एक सहाबी आपकी तकरीर सुनने के बाद, आपका मौइज़ा सुनने के बाद पहाड़ पे जाके बैठ गया। अब नतीजा यह है कि उसके घर की रोजी रोटी पड़ोसी दूर पूरी कर रहे हैं। पड़ोस वाले कभी खाना ला के दे रहे हैं, कभी रोटी ला के दिए दे रहे हैं, कभी पानी, उस जमाने पानी का इंतजाम भी करना होता, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। यानी वो सारे काम जो इसको करना था वो पड़ोसी कर रहे हैं। हुजूर अकरम ने कहा उसको बुला रहा हूं। आया, सही ने कहा हुजूर बुला रहे हैं। कहा मैंने तुमसे कब ये कहा था? आपने तो फरमाया था कि खुदा पर भरोसा करो, खुदा के अलावा ला मुअस्सिरा फिल वुजूद इल्लल्लाह, इस कायनात में कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। तो जब खुदा के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता तो रोजी रोटी भी खुदा पहुंचा सकता है। हुजूर ने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इबादत जो पहाड़ की बुलंदी के ऊपर हो रही है वो इबादत नहीं हो रही है। या रसूल अल्लाह, जो नमाज मैं मस्जिद में पढ़ता था, जो रोजा मैं आपके हुक्म के मुताबिक रखता था, जिस तरह से इबादतें कुरान सब कुछ मैं करता था वही पहाड़ पे कर रहा हूं। कहा नहीं, तुम इबादत के मफहूम ही को ना समझे। तुमने समझा था कि इबादत सिर्फ नमाज का नाम है, इबादत सिर्फ रोजों का नाम है, इबादत सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम है, लेकिन तुम भूल गए कि नान नफका भी इबादत है। तवज्जो फरमाई, यानी अपने बच्चों का पेट पालना भी इबादत है। तुमने एक इबादत को ले लिया, दूसरी इबादत को छोड़ दिया, और ये दूसरी इबादत वो थी कि जो तुम्हारे लिए वाजिब थी। आप जानते हैं नमाज वाजिब है, नान नफका भी वाजिब है। जिस तरह से आपके लिए रोजा वाजिब है, ना नफका वाजिब है, तो जो इबादत तुम्हारे लिए वाजिब थी उसको छोड़कर तुमने दूसरी इबादतें शुरू की, नतीजा यह हुआ कि तुम खुदा से दूर होते गए। या रसूल अल्लाह, मैं तो समझा था कि इबादत कर रहा हूं। का नहीं,
तुम इबादत नहीं कर रहे हो बल्कि इबादत वो कर रहे थे। आखिरी जुमला, इबादत वो कर रहे थे जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर रोजी पहुंचा रहे थे। तवज्जो फरमाई, यानी इसके माना यह है कि इबादत सिर्फ ये नहीं है कि इंसान नमाज रोजा करे, और ये सिर्फ इबादत ये भी नहीं है कि अपने बाल बच्चों का पेट पाल ले, बल्कि अगर पड़ोसियों का भी ख्याल किया जाए तो हुजूर की निगाह में ये पड़ोसियों का ख्याल करना भी इबादत है। और वाकई इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। मैं मुहर्रम की मजलिसों में अर्ज कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि पड़ोसियों के हुकूक में से एक हक ये भी है कि हमको पता होना चाहिए कि किस पड़ोसी के घर में क्या जरूरत है, किसके घर में मुफलिसी है, किसके घर में गुर्बत है, किसके घर में चूल्हा नहीं जला है। लेकिन वाकई महसूस करें, अगर हम चाहते हैं कि अपनी रूह शहवत को कंट्रोल में करें तो फिर अहकाम की पाबंदी जरूरी है। और जहां कहीं भी अहकाम की पाबंदी का तसव्वुर पैदा होता है वहां पर सिर्फ एक चीज सामने आती है, वो चीज है इताअत। इबादत इताअत का नाम है, यानी मालिक जो कह दे उसके सामने सर्व सजूद है। खुदारा तुझको अगर पसंद है तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। और इसीलिए तारीख ने लिखा है कि एक ऐसा जली बहादुर था कि जिसने अपने सर को सजदे में रख दिया और उसके बाद आवाज दी, इलाही वफ़ई तो बेआहदी ऊफे बेआहदे, खुदारा जो हुसैन ने वादा किया था उसको पूरा कर दिया, तू भी अपने वादे को पूरा कर। ये कोई और नहीं कह सकता, ये वो कह सकता है कि जिसने अपना घर कुर्बान कर दिया। ये वो हुसैन कह सकता है कि जिसने अली अकबर की जवानी दे दी। ये वो हुसैन आवाज दे सकता है कि जिसने अब्बास जैसा जोरे बाजू कुर्बान कर दिया। ये वो हुसैन कह सकता है कि जिसके घर के नन्हे नन्हे बच्चे अलअतश अलअतश की आवाजें बुलंद कर रहे थे। अज़ादारों, यकीनन आपकी आंखें नमनाक हो गई, आप गिरिया कर रही हैं, उस हुसैन का मातम कर रहे हैं कि जिस हुसैन को करबला में मजलूमियत के साथ शहीद किया गया। लेकिन आज मैं वो मसाए पढ़ना चाहता हूं कि जहां पर ये बयान मिलता है कि अहले बैत अथार ने कभी रास्ते में गिरिया नहीं किया है। आप जानते हैं जनाब ज़ैनब रास्ते भर ताजियाने खाती रहीं, गिरिया न कर सकी। जनाब सकीना ने तमाचे खाए हैं, गिरिया न कर सकी। जनाब इमाम सज्जाद ने ताजियाने बर्दाश्त किए लेकिन गिरिया न कर सके। आप जरा सोचें, जिसके घर में 18 जनाजे हो जाते हैं उस घर की बीवियों का क्या आलम होता है। लेकिन ज़ैनब को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब इसी शाम में ये खबर मिली कि हम सबको आजादी मिल गई है, अब हम चाहे तो चाहे मदीना जाएं, चाहे यहीं रह जाएं, ज़ैनब ने सिर्फ एक तमन्ना ही थी, ए बेटा सैयद सज्जाद इनसे कह दो एक घर खाली करा दे, उसमें बैठ कर हम अपने भाई का मातम करना चाहते हैं। आज़ादारों चेहलुम करीब है, अरे चेहलुम से पहले सैदानियों ने शाम में मजलिस बपा की है। आज़ादारों आपने भी देखा होगा बाज़ मजलिसों के इख्तिताम पर उस मजलिस में शबीहें आती हैं, कभी आलम आता है, कभी ताबूत मुबारक आता है। अरे जरा सोचो, ये सिर्फ शबीहें हैं, जब इन पर निगाह पड़ जाती है तो इंसान की आंखों के आंसू रुक नहीं पाते। अरे जरा सोचो, शाम की उस मजलिस में मिंबर के ऊपर ज़ैनब मसाए पढ़ रही है, अब जो तबर्रुकात आना शुरू हुए, एक जला हुआ कुर्ता भी आया, एक जला हुआ झूला भी आया, और इसके बाद अब बड़ी बड़ी सीनियों में अब जो सैदानियों के सामने इन बड़े बड़े तबक आना शुरू है। अज़ादारों सुन सकोगे, इस तबक में क्या रखा हुआ था? अरे इस तबक में अहले बैत अथार के शहीदों के सर रखे थे। अब एक एक सर का आना शुरू हुआ, सैदानियों ने आगे बढ़ बढ़ के अपनी आगोश में लेना शुरू किया। कभी कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने आगे बढ़ के अपनी आगोश में ले लिया। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने सहारा लेके अपनी आगोश में ले लिया। हाँ आज़ादारों, सारे सर आते रहे, लेकिन अब जो दो छोटे छोटे सर आए, शाम की बीवियों ने कहा, अरे शायद इन बच्चों की माँ दुनिया में नहीं है। अरे चाहने वाली माँ खड़ी हो गई, ये ना कहो ज़ैनब जिंदा है,
लेकिन जब तक ज़ैनब अपने भाई का मातम पूरा न कर ले, किसी और का मातम न करेगी, अज़ादारों अब कयामत हो गई। अरे एक सर आया, सारी बीवियां खड़ी हो गई, लेकिन वो न खड़ी हुई जो चाहने वाली बहन थी, जो मदीने से साथ में निकली थी। ए हुसैन, ज़ैनब कभी तुम्हारा साथ न छोड़ेगी। लेकिन हाँ, अब जो लोगों ने देखा, ए ज़ैनब उठो, हुसैन का सर आया है, अब जो देखा, ज़ैनब बेहोश हो चुकी है। आज़ादारों, ज़ैनब को होश में लाया गया। अब जो ज़ैनब ने देखा कि भाई का सर है, जल्दी से खड़ी हुई, अपने भाई के सर को अपनी आगोश में लिया। आज़ादारों, ये पहला मौका है कि जब ये बहन अपने भाई के सर को अपनी आगोश में ले रही है, मरवा में मकातिल ने लिखा, अब जो चाहने वाली बहन ने भाई के सर को आगोश में लिया, अरे चेहरे पर चेहरा रख दिया। ए भैया हुसैन, अरे ज़ैनब लुट गई। ए भैया, अरे तुम्हारे बाद किसी ने रसन बांधे, किसी ने ताजियाने लगाए। ए भैया कयामत हो गई। फातिमा की बेटियां शाम के दरबार में सरबराह ना चली गई। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خداوند این آسمانوں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما خداوند این آسمانوں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دینا خداوند امام حسن کے ظہور کی تعجیل فرما ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما خدا را ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا زدار قرار دینا خدا را ہم کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما خدا را جو نوجوان بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما خدا را جو نوجوان اور بچے امتحانات میں مصروف ہیں ان کو کامیاب و کامران فرما خدا اندہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما خدا اندہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عنایت فرما خدا اندہ جو اولاد ندینہ کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم